जय हिंद साथियों। साथियों, आज हम लेकर हाजिर हैं बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स नंबर 3, जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग। तो दोस्त, लर्निंग एंड टीचिंग के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो लर्निंग और टीचिंग जो कि कोर्स 3 है, हम लोगों ने इस चैनल पे 2 कोर्स को फुली डिटेल्स में पढ़ा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोर्स 3, जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग। तो दोस्त, लर्निंग एंड टीचिंग का पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जो कि वीवीआई क्वेश्चंस है और इसका डीपली सॉल्यूशंस भी है। तो पहला क्वेश्चंस में लिया गया है साथियों, अधिगम से आप क्या समझते हैं। आपको जानना चाहिए कि लर्निंग जो है, जिसका हिंदी होता है लर्न मतलब सीखना, उसी का पर्यायवाची नाम है अधिगम। अधिगम मतलब होता है लर्निंग। तो दोस्त, क्वेश्चन है आज का कि लर्निंग यानी अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें और विशेषताओं का वर्णन करें। यानी कि हम लोगों का क्वेश्चन है कि अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार हैं और सभी को विशेषता बतलाना है। चलिए, तो इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर में लिखा है अधिगम। अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग, एक व्यापक सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यानी कि जो यानी कि साथियों, सीखने वाली जो प्रक्रिया है ये जिंदगी भर चलती है, सतत चलती है, यानी लगातार जीवन भर चलते रहती है। मनुष्य जन्म के उपरांत से ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। यानी कि यहाँ बोला गया है कि जैसे ही मनुष्य का जन्म होता है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक इसको मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक वो अपने जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहता है। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। यानी कि जैसे जैसे मनुष्य के जन्म के उपरांत उसकी वृद्धि होती है, उसकी विकास होती है, उसकी धीरे धीरे वो उसका हाइट ग्रोथ करता है, समझने का शक्ति आता है, तो अपने आप को वातावरण से, समाज से अपने आप को सामंजस्य बिठाने लगता है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान के हिसाब से सीखना का परिभाषा हो गया। यानी कि जब किसी भी मनुष्य का जन्म होता है तो मृत्यु तक उसे कुछ न कुछ सीखता है, उसी सीखने के गुण को मनोविज्ञान के हिसाब से सीखना कहा जाता है। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है, उतनी ही उसके जीवन का विकास होता है। यहाँ बोला गया है कि जिस व्यक्ति के अंदर जितनी सीखने का जिज्ञासा होती है, कुछ भी सीखने की शक्ति होती है, अगर उसकी शक्ति सीखने की ज़्यादा है तो उसके शरीर का, बुद्धि का भी विकास अधिक होगी। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक क्रिया एवं प्रतिक्रिया करता है। यानी कि सीखने के लालच में, सीखने के क्रम में व्यक्ति बहुत सारी क्रिया प्रक्रिया करते हैं। अतः सीखना किसी स्थिति प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। यानी सीखने के पीरियड में, सीखने के टाइम में कुछ न कुछ क्रिया प्रतिक्रिया होता है। जैसे छोटे बालक के सामने जलता हुआ दीपक ले जाने पर, जैसे ही वह दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है, इस प्रयास में उसका हाथ जलता है और वह अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। अगर मानिए कि कोई बच्चा है, उसको दीपक ले जाइए तो उसके पास हाथ करता है तो जैसे जलता है वो पीछे खींचता है, तो वो अब ये बात को सीख चुका है कि जब कभी भी उसके सामने दीपक लाया जाता है तो वह अपने पूर्व के अनुभव के आधार पर लौ को पकड़ने से बचेगा। यानी अब वो सोचेगा कि अगर हम हाथ बढ़ाएंगे तो जल जाएगा, तो उसको अब ज्ञान हो चुका है कि अगर ये दीपक के लौ को हम छुएंगे तो मेरा हाथ जल जाएगा। इसलिए अब कभी भी अगर लाइफ में, जीवन में उसको जलता हुआ दीपक अगर आएगा उसके सामने, तो वह अपने बीता हुआ घटना को अनुभव करेगा और फिर उसको टच नहीं करेगा। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखें। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं
कि सीखना का जो परिभाषा है वो अलग अलग वैज्ञानिकों के हिसाब से क्या क्या बताया गया है। तो एक वैज्ञानिक का नाम आता है वुडवर्थ, वैज्ञानिक का नाम क्या है, वुडवर्थ। इनके अनुसार देखा जाए तो सीखना विकास की प्रक्रिया है। इनका कहना है कि सीखना जो है एक विकास का प्रक्रिया है, अगर कुछ नहीं सीखेगा तो उसके अंदर विकास नहीं आएगा। फिर अगला वैज्ञानिक का नाम है बी एफ स्कीनर। इनके अनुसार देखा जाए तो सीखना व्यवहार में उत्तरत्य सामंजस्य की प्रक्रिया है। इनका कहना है कि सीखना जो है व्यवहार में एक सामंजस्य, उत्तरोत्तर सामंजस्य होने की प्रक्रिया है, यानी कि व्यवहार में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। फिर है जेपी गिलफर्ड, एक अलग वैज्ञानिक है जेपी गिलफर्ड। इनके अनुसार बताया गया कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। अब किसी का व्यवहार है, उसी व्यवहार के कारण ही अगर व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है तो उसको इन्होंने सीखना कहा है। फिर आगे वैज्ञानिक है को कॉलविन, नाम है क्या है इनका, कॉलविन। के अनुसार देखा जाए तो पहले से निर्मित व्यवहारों में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अब कॉलविन का अगर देखा जाए तो इनका कहना है कि पहले से निर्मित व्यवहार, पहले जैसा व्यवहार था उस व्यवहार को अनुभव के आधार पर बदल दिए। जैसे पहले वो दीपक को छू लिया, अब उस अनुभव पर बदल लिया अपना व्यवहार, मने कि अब नहीं छुआ, तो उसको सीखना कहते हैं, अधिगम कहते हैं उसको। अधिगम और सीखना एक ही होता है। चलिए नेक्स्ट, फिर आगे हम लोग इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं क्योंकि नीचे के पेज में जो लिखा है वो आपको क्लियर दिख सके। चलिए कॉलविन तो देख लिए, अब उसके बाद है क्रो एंड क्रो, एक वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक का नाम ही है क्रो एंड क्रो। तो इनके अनुसार देखा जाए तो सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। इनका कहना है कि सीखना जो है वो क्या है, तो अपने आदत में, ज्ञान में और अभिवृत्ति, यानी कि अगर आपके पास ज्ञान का अर्जन कर लिए, बहुत सारा आदत आपके पास लग गई, तो उसको क्रो एंड क्रो ने सीखना बोला है। अब जरा आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि सीखने का क्या क्या नियम होना चाहिए। तो यहाँ बताया गया एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है ई एल थॉर्नडाइक। ये अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। ई एल थॉर्नडाइक जो हैं कहाँ के वैज्ञानिक हैं, तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, जिसने सीखने के कुछ नियमों को खोज की। अब इन्होंने जो है सीखने का क्या क्या नियम होना चाहिए उसके बारे में इन्होंने खोज की है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। ध्यान रहे, ई एल थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम को दो भागों में बांटा। पहले का नाम है मुख्य नियम और दूसरे का नाम है गौण नियम। इसको क नाम दिया गया है, यहाँ ख नाम दिया गया है, यानी दो नियम इनके द्वारा दिया गया। कौन कौन सा है, तो एक का मुख्य नियम और एक है गौण नियम। अब मुख्य नियम के अंदर भी तीन नियम आते हैं, एक है तत्परता का नियम, फिर है अभ्यास का नियम, फिर है प्रभाव का नियम। यानी इन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति को तत्पर रहना चाहिए, कोई भी चीज़ सीखने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, फिर उसको अथक अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके प्रभाव दिखेगा। तो ये तीन जो है मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा गौण नियम में टोटल पांच नियमों का जिक्र किया गया है। पहला का नाम है बहुअनुक्रिया नियम, दूसरा मानसिक स्थिति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा समानता का नियम, पांचवा साश्चर्य परिवर्तन का नियम। तो साथियों ये थे सीखने के अलग अलग नियम। अब जरा हम लोग बात करते हैं कि अधिगम के कितने प्रकार हैं और उनका क्या क्या परिभाषा है, व्याख्या है। जैसा कि क्वेश्चन भी देखे थे वहाँ पे बोला था कि अधिगम के प्रकारों को व्याख्या करिए विशेषताओं के साथ। तो अधिगम के प्रकार को हम लोग देखने वाले हैं। तो याद रहे अधिगम के तीन प्रकार हैं। पहले का नाम है संज्ञानात्मक, या इसी को नाम कहते हैं ज्ञानात्मक।
संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा का नाम है क्रियात्मक अधिगम और तीसरा का नाम है भावात्मक अधिनियम। अब क्या होता है संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक, तो चलिए बारी बारी से इनके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला है संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक अधिगम, तो इसमें लिखा है इस प्रकार के अधिगम का संबंध ज्ञान से है। याद रखिए नाम से ही पता चल रहा है ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक, तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होना चाहिए, तो ज्ञान होना चाहिए। तो याद रखिएगा ये ज्ञान से संबंधित है, अर्थात अधिगम करता अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करता है, यानी इसमें जो है एक बच्चों की या एक व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है। इस प्रकार के अधिगम में ज्ञान अर्जित करने की सभी विधियां सम्मिलित की गई है, यानी कि सॉरी फॉर दैट, इस प्रकार के अधिगम में ज्ञान अर्जित करने की सभी विधियां बताई गई है, जो कि तीन प्रकार हैं इसके भी, इस अधिगम के भी तीन प्रकार हैं। पहले का नाम है प्रत्याख्यात्मक अधिगम, दूसरे का नाम है प्रत्यात्मक अधिगम और तीसरे का नाम है साहचर्यात्मक अधिगम। यानी कि संज्ञानात्मक अधिगम के भी तीन प्रकार हैं, प्रत्याख्यात्मक, प्रत्यात्मक, साहचर्यात्मक, ये तीन अधिगम में इसे बांटा गया। चलिए आगे के देखते हैं, तो आगे है क्रियात्मक अधिगम। अब हम लोग क्रियात्मक देखेंगे, तो इसमें लिखा है यह अधिगम क्रिया से संबंधित है, इसे मनोदैहिक अधिगम भी कहते हैं। दैहिक, दैहिक, दैहिक मतलब देह, देह, और इसको इसका अर्थ होता है शरीर। यानी याद रखिएगा कि ये क्रिया मनोदैहिक है, दैहिक मतलब अपने अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आगे हम लोग देखने वाले हैं विभिन्न प्रकार के क्रिया कौन कौन से, जैसे तैरना, इसमें शरीर का एक उपलब्धि होता है, सिलाई करना, खाना बनाना, नृत्य करना, संगीत गाना, तो ये सब क्रिया जो है इस अधिगम में आते हैं। यह अधिगम कला में निपुण बनाता है, यानी कि इसमें जो है आपके अंदर की एक कला को उभारता है, सिलाई सीखना, तैराकी करना, तो ये सब क्रियात्मक अधिगम है। नाम से ही पता चल रहा है क्रिया, क्रिया मतलब काम करना, तैरना, सिलाई सीखना, खाना पकाना, ये सब क्रियात्मक अधिगम में आता है। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग भावात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम। अब देखिए इसमें भावात्मक अधिगम में क्या होता है, यह जीव की भावनाओं से संबंधित है। जीव की भावना, जैसे मान लीजिए कि किसी भी जीव की एक भावना होती है, उसको उसके चेहरे, रंग, रूप को देखकर ये हमें पता लग जाता है कि उसकी क्या भावना है, वो क्या चाह रहा है। जैसे एक बच्चे, छोटे बच्चे को जो बोल नहीं सकता है, उसको भूख लग जाता है, उसकी माँ तुरंत समझ जाती है मेरे बच्चे को भूख लग गया, किस किस वास्ते, तो याद रखिएगा भावना के वास्ते, यानी कि यही भावना काम आती है, यानी कि भावना के वजह से उसको उसके अंदर क्या संकेत कर रहा है, वो बच्चा का क्या अपने रंग रूप और उसके चेहरा से कुछ न कुछ पता चलता है, संकेत मिलता है, इसी को हम लोग भावात्मक अधिगम कहते हैं। यदि किसी बालक को चित्र, रंग, संकेत, आकृति आदि को आधार मानकर सिखाया जाता है, उसको भावात्मक अधिगम कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति को, बच्चा को पढ़ाया जाता है तो रंग के आधार पर, रंग दिखाकर, चित्र दिखाकर, संकेत दिखाकर सिखाया जाता है, तो भावात्मक अधिगम। जैसे कि ट्रैफिक देखते होंगे, ट्रैफिक, ट्रैफिक का मतलब सिग्नल, लाल रहेगा तो रुक जाना है, येलो रहेगा तो रेडी हो जाना है, हरा रहेगा तो कुछ नहीं रुकना है, चलते जाना है। तो जैसे ही ट्रैफिक का सिग्नल देखते हैं तो गाड़ी रुक जाती है, तो ये सब क्या है, भावना हुआ कि रेड है तो अंदर भावना जगह हमको क्या करना है, रुकना है, हरा है तो ट्रैफिक क्रॉस कर जाना है, तो ये सभी सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे। तो ये था आपका लर्निंग एंड टीचिंग के पहले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था अधिगम से आप क्या समझते हैं
और इसके अनेक प्रकार और व्याख्या सहित विशेषता करना है। तो इसके आंसर को हम लोग फुली डिटेल्स देखें। साथियों, आपको अगर बीएड की तैयारी करना है तो आप ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहें। हम इस चैनल पे लाते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के रेगुलर कोर्स को, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो साथियों, आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। फिर साथियों, हम लोग पुनः मिलते हैं अब अगले क्लास में, अगले वीडियोज में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।